ये तो मैं मेरा ख्याल है 40-50 पेज की किताब लिखी जा सकती है। ये नकली प्रशांत किशोर एडा क छात्र है, ये थोनू पहला तो फोटो पा देंदा है अपनी इंटरव्यू दियाँ, फिर जिस इलाके इन्हें काम करना वोदिया फोटो प्रशांत किशोर दियाँ पा के थोनू लगता भी शायद ये प्रशांत किशोर का मैसेज आ रहा। पहले दो दिन जिदन इन्हें मेरे नाल गल की मैनू भी लग्या कि शायद ये असली प्रशांत किशोर ही है, लेकिन क्योंकि मैं पिछली बारी प्रशांत किशोर जी को मिलया होया सी तो उन्होंने काम किया सी, तो हुण भी कोई महीना पहले दो महीने पहला साड़ी एक मीटिंग हुई सी प्रशांत किशोर नाल। मैं सोचा भी चलो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी की इनफॉर्मेशन लैंदा लेंदे ही ने, सर्वे होंदे ही रहिंदे ने। ये मैं कहन लग्या कि जी दो राजस्थान के MLA सर्वे करना आए हैं तुहाडी कॉन्स्टिट्यूएंसी। रात को मेरे नाल एक घंटा गल करदा रहा, मेरे दिमाग च आया कि यार प्रशांत किशोर इन्ना ही वेला है कि उन्हें मैसेज कर देना, मैं तुहानू बोल के भी दस देना, विधायक जी आप कैसे हैं, विधायक जी आप अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता, आप 40 मिनट बाद बात करें। चलो 40 मिनट वेट कर ली, फिर बात होनी, विधायक जी अभी मेरे पास वेस्ट बंगाल के MLA बैठे हैं तो आप थोड़ी देर बाद करें। सो इदा दियां गल्लां दे विच जदों इन्हें मैनू ये शुरू किया कहना कि राजस्थान से दो MLA आए हैं, इसलिए इदा इन्हें बोलिया तो मैनू हुण मैं सिस्टम दे विच रहा हाँ, मैं अपनी नौकरी का भी फायदा PCS तो IAS उहदा भी, मैनू हल्का हल्का जिहा शक पैण लगे। चलो कई गल्लां इग्नोर हो जांदियां ने। अगले दिन फिर यही गल, जदों इन्हें मैनू आ गल कही ना कि देखिए ऐसे है दुनिया चलती रहती है सब कुछ होता है, विधायक जी आप जो राजस्थान से हैं मैं उसको थोड़ा को गिफ्ट दे दो। जदों इन्हें गिफ्ट की गल की ना मेरा माइंड इमीडिएटली उल्टा चलिया, मैं यार प्रशांत किशोर नहीं ये गल कह सकता क्योंकि बाकी लोगों के नालों मेरी उत्थे थोड़ी जी कह लो भी ज़्यादा जानकारी है। मैं मेरे को एक नंबर प्रशांत किशोर जी ने जोड़ा अपना मेरे को दिता हुआ सी, मैं वो कॉल करनी शुरू की, मैं क्या लैट्स क्रॉस चैक, वो क्रॉस चैक नहीं सी हो रहा। फिर वो मैं फोन पर असली प्रशांत किशोर के फोन के उत्ते मैं मैसेज पाया, तुम दिखा मैं मैसेज पाने शुरू किए तो कोई जवाब असली प्रशांत किशोर कोई जवाब नहीं आ रहा सीगा, मेरा होर शक हो गया। फिर लास्ट मैं अर्जेंट लिख के भेजिया कि भाई साहब वॉन्ट्स टू टॉक यू प्लीज़ गिव मी टाइम, वो कोई रिस्पोंस ना जदों इस फोन तो आया मेरा होर शक होने लग्या। मैं फिर एक दिन ये जदों लास्ट पाया मैं ये पाया 10 मई में, मैं बकायदा लिखिया कि आ नंबर बारे मैं कन्फर्म करो, ये नंबर प्रशांत किशोर का सी तो नकली दा ते ओहो अपना एदा भी कोई जवाब ना आया, मेरा होर शक पक्का हो गया। फिर मैं अपने दोनों मुंडिया नाल सलाह की, करण दे नाल ते जिहड़ा छोटा मेरा बेटा वकील है एडवोकेट है उहदे नाल सुकरण नाल सलाह की, असी बैठे बैठे सवेरे चाह पीए ते मैं फिर एक दो साढ़े चंडीगढ़ दे विच मेरे प्रेस के बहुत अच्छे दोस्त ने, मैं उन्होंने गल की, उन्होंने मैंने एक हिंट दिता कि सुनाम दे विच जिहड़ी साड़ी लड़की दामन है उन्हें भी कंप्लेंट की है। सो मैं दामन दे हसबेंड नाल गल की, जदों ये सारा वो मेरे नाल गल करी मेरा होर शक पक्का हो गया। इन द मीन टाइम इन्हें मैनू लिखिया कि वट इज़ अपडेट, जदों इन्हें कहा भी की गिफ्ट देना की करना, मैं उदों तक ना इन्हू मैसेज करने बंद करते। फिर मैं ADCP तेजा साहब नू बुलाया, जशन नू बुलाया, ACP नू, असी फिर पूरी प्लानिंग की इनू ट्रैप किदा लाउणा। मैं एक होर बड़ी वड्डी गल इहनू उहना सवेर नू मैं लिखिया, इन्हें मैनू लिखिया कि जदों गिफ्ट की गल चली अपडेट, इन्हें लिखिया अपडेट, उस तो बाद मैं लिखिया कि योर दोज राजस्थान जिहड़े वाले वो फोन नहीं उठा रहे। इन्हें मैनू स्पैलिंग लिखे REGION रीजन, मेरा मत्था फेट ठण गया, मैं आख्या एडा पढ़िया लिखिया बंदा ये तो ठग आ कोई। फिर मैं क्रॉस चैक किया क्योंकि अपने को कीपैड हुंदा,
कि कई बार हुंदा भी एस दी थां दे उत्ते जी दबिया जांदा वह भी मैच नहीं सी करदा, एक ऑटो स्पैल वह भी मैच नहीं सी करदा। फिर तो मेरा पक्का यकीन हो गया, फिर असी प्लैनिंग की तो यदा जोड़ा बंदा सी एक वो कहना जी 10 लाख रुपया सानू दे दियो। मैं छोटे बेटे तो यहाँ सलाह की असी एक बर्फी वाले बैदे किताबा पा लिया ताकि थोड़ा भारा लगे, उन्ना क लगे भी 10 लाख रुपया। फिर असी 4 पार्टियां बनाईया, एक मेरी पार्टी बनी, एक बेटे के करण ते सुकरण की पार्टी बनी, 2 पुलिस पार्टियां असी लैके उन्होंने सानू बुलाया रेडिसन जलंधर के बाहर। उत्थे जाके असी जदों मैनू सुखन की कॉल आई कि पापा एक रैड कलर की जिहड़ी स्कॉर्पियो तुहानू फॉलो कर रही है, एडे 76 बंदे सी। असी मेरे नाल साडा सरपंच सीगा लोडू वाला बादशाह, मैं बादशाह नूं कहा मैं कहा तू ये मैनू पहचान, तू असी तो पहचानते नहीं सी, मैं कहा तू रेडिसन होटल च पा ला। असी उत्थे खड़े इन्दा मीन टाइम मेरी इन्हां नाल गलबात चल रही सी, बच्चों की कार सड़क के परले पासे सी, ते मैनू उहदा फोन आया कि विधायक जी वो आपका बेटा मुझे वो देने नहीं आ रहा। वो मैं कहा अपना ब्रदर वो बच्चे हैं आप ले लो, क्योंकि असी चाहते सी उहनूं कार चो कढ़ना, क्योंकि नहीं तो उन्हें कार भजा लैनी सी। ते इन्दा मीन टाइम जिहड़ी पुलिस की गड्डी सी उन्होंने एक पिछली स्कॉर्पियो नूं उत्थे एक बंदा जिहड़ा बैठा सी जिहड़ा पसीन है ऑल इंडिया शिवसेना का कहड़ा सी सूर्यवंशी का प्रधान बनया होया अखौती प्रधान, उन्होंने फड़ लैंदा मेन टाइम एक गड्डी इन्हां ने लिया के मूहरे ला ली उहदे। ते पुलिस पार्टी ते दोनों मुंडे उधर नूं गए, मेन टाइम मैं बाहर आया, उन्होंने रिवर्स करके गड्डी भजा ली। फिर करण सुखन चला रहा सी, करण नाल बैठा सी, इन्हां ने फिर उस गड्डी नूं चेंज करके जदों ना रुकिया फिर करण सुखन नूं कहिंदा छोटे बेटे नूं कि हुण तूं इह च गड्डी मार, इन्हें इदां नहीं रुकना। इन्हां ने साडे कोल एंडावर सी, उन्हां कोल स्विफ्ट सी, वह फिर साइड मार के असी उन्हां नूं ढा लिया। सो इदां वह बंदे फड़े गए, जिहड़ा नकली प्रशांत किशोर सी वह 3 दिन बाद फड़िया गया। सो ये स्टोरी है चल रही है, वो जी तफ्तीश है, अज पुछांगे सीपी साहब नूं की बनिया। सो इहो जे ठग ने जिहड़े बिल्कुल थानू जचा जांदे ने, जे कितें मैनू नॉलेज ना हुंदी असली पीके दी जां उहदी टीम दा ना पता हुंदा, उहदे असली नंबर ना हुंदे, तां शायद मैं भी उहनूं ना फड़ पाउंदा। सो इह नकली प्रशांत किशोर की स्टोरी है।